हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने यूट्यूब की वीडियोस के लिए सोशल मीडिया के आइकॉन्स मतलब लोअर थर्ड्स बना सकते हैं जो कि अभी आप वीडियो पे देख रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बताऊंगा आपको कैसे आपको इन सभी को बनाना है और कैसे आपको इनको अपने वीडियोस में यूज करना है। तो पूरा प्रोसेस जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो ये लोअर थर्ड्स बनाने के लिए आपको एक फोल्डर डाउनलोड करना होगा। तो उसकी जिप फाइल जो है मैंने ड्राइव में डाल रखी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस जिप फाइल को डाउनलोड कीजिए और उसे किसी भी फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको उसमें बहुत सारी फाइल्स मिलेगी जो आपको ये सभी लोअर थर्ड्स है उन्हें बनाने में मदद करेगी। तो फोल्डर में आपको जो वीडियोस मिलेगी उसमें आपको बस थोड़े बहुत ही एडिशंस करने हैं जिससे कि आपके लोअर थर्ड्स बन जाएंगे। आपके सभी सोशल मीडिया के आपको आइकॉन्स उसमें मिलेंगे, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब के लिए, ट्विटर के अकाउंट के लिए, इंस्टाग्राम के लिए। तो आपको जो भी बनाना है वो आपको इसमें मिल जाएगा और साथ में एक इमेज होगा जिसमें कि आपको सेटिंग्स दी होगी। जब आप ये लोअर थर्ड्स बना लोगे उसके बाद आपको इस जब वीडियोस में इन्हें यूज करोगे तो उसके लिए जो क्रोमा की सेटिंग्स होती है वो एक इमेज में आपको दी होगी। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये आपको बनाने हैं। तो आपने जो फोल्डर डाउनलोड किया था उसकी जिप फाइल आपको इस नाम से मिलेगी, क्लिक हियर टू डाउनलोड। आपको उसको अनजिप करना है और अनजिप करने के बाद आपको फोल्डर्स ऐसे आएंगे, उसके बाद आपको ये वीडियोस मिलेंगी और एक ही इमेज फाइल होगी जिसमें कि आपको सेटिंग्स है जो मैं बता रहा था कि आपको जब आपके लोअर थर्ड्स पूरे बन जाएंगे आप उसको वीडियो में यूज करोगे तो आपको क्रोमा की यूज करनी होती है उसके अंदर, ताकि ग्रीन स्क्रीन जो है वो हट जाए और आपकी वीडियो के ऊपर ही आ जाए। तो आपका जो भी एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है आप उसे खोल लीजिए। मैं फिल्मोरा यूज करता हूँ तो मैंने उसे खोल लिया है। तो आपको जिस भी सोशल मीडिया के ऊपर बनाना है आप उसको इम्पोर्ट कर लीजिए वीडियोस में से। तो मैं इसे इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट होने के बाद मैं इसे एक लेयर में डाल देता हूँ। तो अब हम टाइमलाइन को बड़ा कर देते हैं थोड़ा। तो टाइमलाइन को बड़ा करने के बाद आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल लगानी है। टाइटल्स पे क्लिक करने के बाद आपको दोबारा टाइटल्स पे ही क्लिक करना है। और ये जो पहला ऑप्शन आप इसमें से जो भी यूज़ करना चाहिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले वाला यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये सिंपल ही है। आपको इस पर क्लिक करना है और इसको ऊपर लगा देना है क्योंकि एक और लेयर ऐड हो चुकी है। तो इसको हमें उतना ही लंबा करना है जितने की हमारी एनिमेशन वाली है। तो हमें बड़ा करने के बाद पे डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद आपको ऐसी सेटिंग्स इसकी दिख जाएगी। आपको एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। और हमें ऐड पेज पे क्लिक करना है। हमें ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद अब आपको ये यहाँ पे चार ऑप्शंस दिख रहे होंगे, आपको ये सभी अनटिक करने हैं। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें एक साइज का ऑप्शन है, उस पे आपको कुछ वैल्यू एंटर करनी होती है। तो यहाँ पे हम 8 एंटर कर देते हैं। तो अब हम इसको आगे स्लाइड करके देखते हैं। तो ये बॉर्डर के जो कॉर्नर्स है वो कर्व हो चुके हैं। तो अब इसे टाइमलाइन में आगे ले जाके देखते हैं ये कहाँ पे आ रहा है। तो हमें इसे और नीचे करना है, जहाँ पे भी आपको सही लगे कि यहाँ पे ये ठीक होगा आप इसे वहाँ पे लगा लीजिए। मैं इसे यहाँ पे लगा लेता हूँ और इसे थोड़ा और लेंथ में बड़ा करते हैं ताकि नाम पूरा आ जाए। तो ये लाइन पूरी आ चुकी है। अब आप इसके बाद इसमें एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। एनिमेशन पे जाने के बाद आपको नीचे ड्रैग करना है और ये जो लेफ्ट डायरेक्शन इंसर्ट है आपको इस पे क्लिक करना है। ये जो इसकी लेंथ है आपको दिख रही है इंक्रीज करने के लिए, इसको आपको शुरू से ही लगाना है और आपको ये तब तक लेके जाना है जब तक ये इंस्टाग्राम वाला पोर्शन जो है ये ऊपर ना जाए। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। तो अब ये वाला पोर्शन पूरा हो चुका है। हमें अब इसमें टेक्स्ट डालना है, जो भी आपको अपना यूजर नेम डालना है। तो उसके लिए पहला ऑप्शन है टेक्स्ट का, हम इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद हमें इस पर डबल क्लिक करना है। तो आपको इस पर क्लिक करके रखना है और कस्टमाइज पे जाना है वापस। कस्टमाइज पे जाने के बाद टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करना है और आपको ये टेक्स्ट फील्ड का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा जिस पे लिख रहा है टेक्स्ट हियर। आपको इस पर क्लिक करना है और इसे ड्रैग कर लेना है और हमें इस बॉक्स के अंदर इसको लेके आना है। बॉक्स के अंदर लेके आने के बाद आपको इसकी लेंथ जितनी भी रखनी है, वेट, हाइट, वो आप चेंज कर लीजिए अपने हिसाब से। मैं इसे चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। तो अब इसकी भी एनिमेशन हम डाल लेते हैं। तो एनिमेशन के लिए आपको ये अप डायरेक्ट इंसर्ट दिख रहा है, आपको इस पर डबल क्लिक करना है और अब हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो टेक्स्ट हियर की जगह हमें अपना इंस्टाग्राम का लिंक, जो भी आपका यूजर नेम है वो लिखना है। जैसे कि तो मैं अपना यूजर नेम डाल देता हूँ। आप instagram.com/ अपना यूजर नेम लिख सकते हैं या फिर अगर आपको सिर्फ अपना यूजर नेम ही लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। जो टेक्स्ट वाली लेयर है इसकी जो लेंथ है आपको इसको बस थोड़ी सी ही पीछे रखना है, जहाँ पे कि आप दिख जाए बॉक्स पूरा आ चुका है अपनी पोजीशन पे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको इसको ओके कर देना है। तो हमारी एनिमेशन पूरी बन चुकी है। अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। तो आपको दिख रहा है ये ऐसे आएगा। इसकी लेंथ को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। तो अभी एनिमेशन पूरा हो चुका है, आपको सीधा एक्सपोर्ट करना है बस। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप दोबारा एक्सपोर्ट पे क्लिक कीजिए और मैं आपको बता देता हूँ जो भी आपने अभी एक्सपोर्ट की एनिमेशन उसको आपको यूज कैसे करना है वीडियो। तो आपको जिस भी वीडियो में एनिमेशन लगानी है आप उस वीडियो को और जिस भी एनिमेशन को लगाना है उसको इंपोर्ट कर लीजिए। तो मैंने अपनी तीनों फाइल्स इंपोर्ट कर ली है। ये वो वीडियो जो कि मैं यूज करूंगा जिसके ऊपर मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। और ये दोनों इंस्टाग्राम और ट्विटर के मैंने बनाई है अभी इन एनिमेशन। तो मैं पहले इसकी एक लेयर बना लेता हूँ, तो उसके बाद हम इसको मैच टू मीडिया कर देते हैं। और अब आपको
जो भी पहले लगानी है आप उसको नीचे ड्रैग कीजिए, जैसे कि ये है। आप इसकी लेंथ भी छोटी कर सकते हैं जितनी आप चाहें, तो मैं इसको इतना कर देता हूँ। तो अब आपको दिख रहा है कि ये ऐसे आ रही है। तो ग्रीन स्क्रीन को हटाने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद आपको एक क्रोमा की ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर टिक करना है। तो आप इसको जितना छोटा चाहे उतना छोटा कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो मैं इसको इतना छोटा कर देता हूँ। अब हम वीडियो को चला के देखते हैं कि ये कैसी लग रही है। तो आपको दिख रहा है नीचे मेरी एनिमेशन आ चुकी है। और अगर आप चाहे तो इसके एंड में कुछ एनिमेशन लगा सकते हैं, जैसे कि आप ट्रांजिशन पे जाइए, उसके बाद आप ये डिजोल्व वाला जो है वो उठाइए और यहाँ पे एंड में लगा दीजिए। उसके बाद अब हम इसे दोबारा प्ले करके देखते हैं। और जब आप पूरी वीडियो एडिट कर ले तो आप इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो ऐसे आप अपने वीडियोस के लोअर थर्ड्स या फिर सोशल मीडिया के आइकॉन्स बना सकते हैं। मैंने आपको जो भी पूरा प्रोसीजर बताया है आप उस पूरे प्रोसीजर पर यूज कीजिए। आपको जो जिप फाइल डाउनलोड करनी है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से उस जिप फाइल को डाउनलोड कीजिए, एक्सट्रैक्ट करके उन वीडियोस को यूज कीजिए। और उसमें जैसे जैसे मैंने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है आप उसको फॉलो करते रहिए। और अपने वीडियोस में उनको कैसे यूज करना है वो भी मैंने आपको बताया है। क्रोमा की का यूज कीजिए। अगर आपकी वीडियो में वो क्रोमा की का यूज करके साफ आ जाए तो आप उसको ऐसे ही एक्सपोर्ट कर लीजिए वीडियो को। और अगर आपकी एनिमेशन में कुछ खराबी आती है तो इमेज में जो भी सेटिंग्स है आप उनका यूज कीजिए, उनसे आपकी एनिमेशन जो है वो ठीक हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। अब अगली वीडियो में मिलते हैं।